यो फेलास, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ इट्स आवर स्टोरी। और ये खड़ी है अपनी बाइक, जिसके लिए स्पेशल पार्किंग होती है ऑफिस में। आज हम लोग जा रहे हैं बाइक की चेन को चेंज कराने के लिए, जिसका सारा सामान हमने रख लिया है टॉप बॉक्स के अंदर। सो अगर मैं टॉप बॉक्स में दिखाऊं तो टॉप बॉक्स के अंदर है इस टाइम पे हमारा बैग, और बैग के नीचे है हमारा चेन का सामान। सो क्या सीन होने वाला है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम चलेंगे शोरूम पे। सो घर जाके हम लोगों ने बदल ली अपनी टी शर्ट, और टी शर्ट बदल के आ गए हैं हम लोग बनेली के शोरूम में। बनेली के शोरूम में हम लोग फिर से वापस पहुंच गए, क्योंकि हमारी चेन होनी है चेंज। और चेन को चेंज करवाने के लिए हम लेकर आए हैं बहुत सारा सामान, जो कि मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये हमारा रेयर स्प्रॉकेट है, जो कि हमारा TRK 502X का है, विच इज़ 44 टीथ। इसमें 44 टीथ हैं, 44 टी से कहते हैं, 4620, बिकॉज ये पुराने वाला रेट है, और जो नया वाला रेट है वो 5000 के आसपास है। ये हमारी रबड़ भी टूट गई है, तो ये रबड़ अराउंड 1000 रुपीज़ की आई है। ये भी हमें रेडी हैंड टू हैंड मिल गई यहाँ पे बनेली गुड़गांव के शोरूम में। और फिर हमने ये ख़रीदा है 600 हाई, बनेली 600 हाई का पूरा चेन सेट रोल ऑन का, जो कि अराउंड 6200 का आता है, विद शिपिंग अराउंड 6400 या 6500 के आसपास आता है। इसके अंदर फ्रंट जो स्प्रॉकेट है वो एकदम डायरेक्ट मैच है, विच इज़ 14T, एंड रेयर स्प्रॉकेट 46T है, तो वो हमारा मैच नहीं होगा, इसलिए हमने रेयर स्प्रॉकेट अलग से खरीदा है। इसके अंदर जो चेन है वो 118 लिंक्स की है, 525 पिच है। सो 525 पिच पूरा मैच हो रहा है, लेकिन 118 लिंक मैच नहीं होगा, क्योंकि हमें जो है 116 लिंक चाहिए, तो इसमें से 2 लिंक हम हटाएंगे। वो कैसे हटाएंगे वो इस वीडियो में आपको पता लगेगा। उसको करने के बाद देन वी विल इंस्टॉल दिस वन। एंड अब बारी आ गई अपनी बाइक की। सो अफसर भाई अपनी बाइक लेके जा रहे हैं अंदर, और ये चेन में से आवाज़ आ रही है टक टक टक, इसको आज ख़त्म करना है हमें। सबसे पहला स्टेप हम पुराने वाली चेन को उतार देंगे। कितने? हाँ, 116 होने चाहिए ना। हाँ, तो 116 ही है ना। अच्छा, आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसको। ये है 600 आई की चेन, इसके अंदर 118 होने चाहिए। अब ये भाई काउंट करेंगे, फिर देखते हैं इसमें कितना है। 58 था। तो सबसे पहले टायर निकल गया, और टायर निकालने के बाद हम लोग उसी चेन को बिना उसके लिंक हटाए लगाने की कोशिश करेंगे। अगर वो वैसे ही वर्क करके एडजस्ट करेगा तो फॉर नाउ हम बिना लिंक हटाए चलाएंगे, एंड लेटर ऑन जब चेन लूज हो जाएगी तब हम उसके कुछ ना कुछ एक या 2 लिंक हटाएंगे।
सब लोगों ने मिलके कुछ जुगाड़ किया यहाँ पे और ये खोल दिया चेन बिना टूल के। आई थिंक ये नए वाली चेन का हमारा लिंक खुल गया। इसके लिंक भी आप खोल रहे हो, अलग कर रहे हो, इतने में लगा? नहीं, अभी चेक करेंगे कि अभी ठीक है। ठीक है, तो ये वाला स्प्रॉकेट लग गया, अगले वाला इसके बाद लगेगा और फिर हमारी चेन सेट होगी। परफेक्ट। टायर को वापस पैक किया जा रहा है और ये वाला स्प्रॉकेट अभी बाद में चेंज होगा, ये वाली रबर चेंज हो चुकी है। सो सबसे पहले ट्राई करेंगे बिना लिंक रिमूव करे कि क्या वो चेन पूरी सेट आ जाती है, उसको लूज करके रखेंगे एंड देन अगर वो नहीं आती है तो उसका लिंक रिमूव करेंगे। यस, एक अभी और जाएगी, अभी दो ये निकलेगा पूरा, निकालो ये लास्ट है सेटिंग। पूरी टीम बैठ गई है अब और यहाँ पे आज हम खोलेंगे चेन के लिंक्स टीम एफर्ट के साथ। कौन सा वाला है? चलो डन, हाँ ठीक है, दो ही निकलने थे। ठीक है डन है, सही बात है। एक ही था, दो ठीक तो है। अरे नहीं, ठीक है, बात समझे नहीं है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, पुलिस आगे लगाने का सोच रहा हूँ। इसकी जल्दी निकल रहे हैं यार, उसके नारा मजबूत है भाई। चलो लगा 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 पिछली चेन से काला लगा, इस चेन से वाइट। ठीक है, सेट है। वेट था कि ऐसे कुछ नाम, क्या नाम था यार उसका, एडोरा में हुआ था परसों इवेंट। अच्छा, उसके पास भी था सेम पॉइंट पर थोड़ा सा। मॉड्यूल का भी आता है वाइट वाला पेस्ट, हाँ पेस्ट ही आता है वो, हाथ से लगा रहा पड़ता है। यहाँ पूरी जान लग गई पर खुल नहीं रहा, इतना ज्यादा टाइट है। कम ऑन, जान वादी। हेलो, फाइनली फ्रेंड्स पॉकेट खुल गया और बहुत तगड़े जुगाड़ की निकालने की लगा के पता नहीं क्या क्या करके निकाला है।
अगली स्पोकन कहाँ है? लगा तू क्यों डर रहा है? मैं पास में पकड़ा हूँ तुम। ऐसी हो जाएगी यार, कहाँ जा रही है? ये सो भी ज़्यादा काम करो, इसलिए तेरे काम नहीं हो पा रहा है। आराम से काम करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा ऊपर कर पहले। जी नहीं कर पा रहे हैं। सही है। काम को सीरियस होकर काम मत किया करो, जितना घबराया करो काम उल्टा सीधा हो। चलो 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 डन डन। ठीक है कंडीशन अपने पुराने वाले स्प्रॉकेट की, ये जितना भी है यहाँ पे पूरा खत्म हो चुका है। तो अभी लेकर आया हूँ मैं टेस्ट राइड, और टेस्ट राइड लेने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि बाइक की चेन एकदम सुपर न्यू जैसी हो गई है। पहले जो टक टक आवाज़ आ रही थी बिल्कुल खत्म हो गई है। इस वाली चेन से सुन 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 हल्की हल्की आवाज़ आती है। आई डोंट नो, मे बी इट्स अ ब्रास चेन, दैट्स व्हाई। ये भी गोल्डन दिख रही है, कुछ टाइम बाद ये भी ब्लैक हो जाएगी, बट या फॉर नाउ दिस लुक्स फाइन। और मेरा ये गियर का लीवर काफ़ी ऊपर लग रहा है, तो मैंने एक उनको वो बोला है कि ये एडजस्ट करते थोड़ा सा नीचे। उसके अलावा बाकी सब कुछ एकदम सेट है। और ये वाली चीज़ अभी भी मैं देख रहा हूँ कि ये शायद इसी के ऊपर आएगी, बाकी ऑल सेट। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे जुगाड़ वाली चेन लगानी है और अपने मैकेनिक को बहुत परेशान करना है, तो आप लोग भी ला सकते हो रोल ऑन बनेली 600i की चेन और लगा सकते हो PRK 502X के ऊपर। इसकी जो कॉस्ट वगैरह जितनी भी रही है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। आफ्टर चेन हम लोग आ गए हैं हेलमेट लेने के लिए। हमने चूज किया SMK का टाइफून, विच लुक्स लाइक दिस। तो अब जो वीडियोस आएंगी प्यारी प्यारी वो इसमें आएंगी। नाइस, ब्यूटीफुल लुकिंग हेलमेट फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल। सो ये रहा हेलमेट क्लीन, विच इज़ फॉर हेलमेट क्लीनर। एंड हमारे पास SMK के दो हेलमेट हो गए, एक स्टेलर और एक टाइफून, जो कि हमने परचेज किए हैं ऑलवेज राइडिंग से, विच इज़ एट सोना रोड। सो दे हैव क्वाइट अ बिग ह्यूज कलेक्शन, एंड फाइनली वी वर एबल टू फाइंड द हेलमेट फॉर अस। और जो हमारा चेन लगाने का लेबर था, दैट इज़ अराउंड 1150 रुपीज़। और इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी बढ़िया से ब्लॉग में। इट्स आवर स्टोरी, साइनिंग आउट।